नमस्कार दोस्तों, कहते हैं जिनके पूर्वज यानी पितृ नाराज हो जाते हैं उनका जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं होता। यही वजह है कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष को काफी अहम माना गया है। पितृपक्ष ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो वहीं पितृपक्ष के दौरान कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। शास्त्रों में पितृपक्ष में कुछ चीजों का सेवन करना वर्जित माना गया है, जिनका अगर आप भूलवश सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में तरक्की के सभी राह बंद हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं श्राद्ध में किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल को किसी भी रूप में श्राद्ध के दौरान प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल का सेवन करते हैं तो आपको जीवन में कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। आगे आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के दौरान आलू, मूली, अरबी और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, श्राद्ध में जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों का सेवन करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इन सब्जियों को पितृपक्ष के दौरान ना तो स्वयं खाना चाहिए और ना ही ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। साथ ही साथ इन सब्जियों का भोग पितरों को भूलवश भी नहीं लगाना चाहिए। इससे पितर नाराज हो जाते हैं और फिर बिना भोग लगाए ही वहां से चले जाते हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान चना या चने से बना कोई भी पदार्थ यानी कि चने की दाल और चने का बना सत्तू का सेवन करना वर्जित माना गया है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इन चीजों को पितरों को श्राद्ध में अर्पण करना भी अशुभ माना गया है। इसलिए जब तक श्राद्ध चले तब तक चने का सेवन भूल कर भी ना करें। तो वहीं बताते चले कि पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान कच्चे अनाज का सेवन करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष में कच्चे अनाज यानी कि दाल, चावल, गेहूं का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप इस अनाज को पकाकर खा सकते हैं, लेकिन कच्चा अनाज ना तो खुद खाएं और ना ही अपने पितरों को अर्पित करें। इसी के चलते जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना गया है। तो ऐसे में धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी इन चीजों का सेवन किसी को नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दौरान अंडा, मांस, शराब जैसी वस्तुओं से भी दूरी बना लेनी चाहिए। कहते हैं कि पितृपक्ष में इन चीजों का सेवन करने से पितृ नाराज होते हैं और अतृप्त रहते हैं, जिससे कुंडली में पितृ दोष बना रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार आप भूल कर भी पितृपक्ष में इन चीजों का सेवन ना करें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।